क्या आपने कभी ऐसे टमाटर का स्वाद चखा है जो चेरी या अंगूर जैसा दिखता हो? जैविक खेती से एक ऐसे ही खास किस्म के टमाटर की पैदावार की जा रही है। इस टमाटर की खेती पॉली हाउस में 12 महीने की जा सकती है। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि यह 400 से 600 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। यह सर पूरी तरह से इंडियन देसी टमाटर है। ये विलुप्त प्रजाति, एक तरह से ये विलुप्त हो चुका था और इसका स्वाद ऐसे माने कि 30 से 35 साल पहले लोगों ने इसको स्वाद ग्रहण किया और इसकी मांग इसलिए बड़ी है कि ये चूंकि स्वाद में बहुत अच्छा है और 100% ऑर्गेनिक है। गौर से देखिए, खेत पर लगी यह फसल चेरी नहीं बल्कि टमाटर की है। यह एक खास किस्म का टमाटर है। जबलपुर के किसान अंबिका पटेल इस विलुप्त हो रही टमाटर की प्रजाति को सहेजे हुए हैं। विगत कई सालों से वह इसकी सप्लाई भी कर रहे हैं और जैविक होने के कारण ये परंपरागत जो हम हाइब्रिड टमाटर बाजार से लाते हैं उसकी अपेक्षा ये स्वाद में डिफरेंट स्वाद में बहुत ही अच्छा होता है। इसमें विटामिन के गुण भी उस टमाटर की अपेक्षा अत्यधिक होते हैं और ये बरसात के दिनों पर अभी पूर्णतः मिलता नहीं है, विलुप्त हो जाता है और बरसात के दिनों में हम पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर इसकी खेती करते हैं तो बाज़ार मूल्य इसका बहुत अधिक होता है। यह मान लें कि जो रेट आप चाहें वो रेट का बाज़ार आपको प्राप्त होता है। पटेल कहते हैं कि जैविक तरीके से टमाटर उगाने के लिए उन्होंने गहरी रिसर्च की थी। रिसर्च में उन्होंने टमाटर की अलग अलग किस्मों को लिया। इन सभी में छोटा चेरी की तरह दिखने वाला टमाटर काफी उपयोगी पाया गया। इसे हाइब्रिड टमाटर या फिर स्वदेशी तकनीक से निर्मित हाई विटामिन युक्त टमाटर भी कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश में भोपाल जबलपुर में तो सप्लाई कर रहे हैं, अनेकों जिलों से भी बहुत मांग आ रही है। अभी हम मांग पूर्ति करने में सक्षम नहीं है और हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं ताकि हम बरसात में भी इस टमाटर को लोगों तक पहुंचा पाएं। क्या रेट पर अभी 400-250 से 400 रुपए प्रति केजी तक बिकता है। अब प्रोडक्शन बिल्कुल समाप्त हो गया है तो हम 400 से 600 रुपए तक इस टमाटर को बेच पा रहे हैं। पके हुए 2 से 5 केजी टमाटर लेकर के वो उसके सीड निकाल के नर्सरी डेवलप कर सकता है और यदि वो जैविक खेती करना चाहता है तो वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद से वो अपने पौधों को बेड में रोपित कर सकता है। बेड में दूरी होती है 1 से 1.5 फीट की दूरी पर वो पौधों को रोपण कर सकते हैं और रो की दूरी होना चाहिए 2 से 2.5 फीट और इस पर वो नर्सरी से पौधे को रोपित करके 2 से 2.5 महीने में वो फसल ले सकता है। इसको अप्रैल में रोपनी डालना चाहिए और अप्रैल का लास्ट महीना या मई के फर्स्ट वीक में उसको अपने मतलब पॉली हाउस में नेट हाउस में रोपण करना चाहिए ताकि वो जुलाई के फर्स्ट वीक से लेके अक्टूबर का लास्ट वीक तक फसल का उत्पादन ले सके। बरसात के दिनों में भी इस टमाटर को पॉली हाउस में पैदा किया जा सकता है। इस चेरी टमाटर की पैकिंग भी बेहद खास किस्म से की जाती है। अंगूर की तरह ही इसे पैक किया जाता है। इस टमाटर की पैदावार के लिए बेहद सावधानी और रखरखाव की भी जरूरत पड़ती है। छोटे साइज के होने के बावजूद इसकी खटास एक बड़े टमाटर के मुकाबले अधिक होती है। जबलपुर से शिव चौबे की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।